जी फाइव ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। आपकी वजह से मेरी बहन का रिश्ता एक नीच घटिया और कैरेक्टरलेस इंसान के साथ जुड़ चुका है। डेथ हो रहा है डॉक्टर साहब। हम चुप रह जाते थे डॉक्टर साहब, पर चंपा दीदी के साथ मैं कर रहा था ना हैंडल, कर रहा था ना मैं। ऐसा करके आप जबरदस्ती उन रिश्तों में अपनी जगह बनाना चाह रही हैं, जहां पर आपकी कोई जगह है ही नहीं। एक अच्छी बहू रानी बनने के इस खेल में आप मेरी बहन की जिंदगी के साथ खेल गई। जो करती हैं गलत करती हैं आप। अरे आपने तो अपने भाई तक को नहीं बख्शा, लेकिन कान खोल कर एक बात सुन लो, अगर आपकी वजह से मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद हुई तो अब तक आपने सिर्फ मेरा गुस्सा देखा है। मैं कितना बुरा बन सकता हूं इसका अंदाजा भी नहीं है आपको, समझे आप। माता रानी, ये हमने क्या कर दिया? सब सही करने चले थे, लेकिन अब पता नहीं जय राजा बाबू कौन सा चाल चलेंगे। तो ठीक तो है ना बहन, हम देखे वो चंपा दीदी का गुलाटी, वो तो सबके सामने पलट गई। अब क्या होगा बहन? होगा क्या, सबके सामने तेरी बहन ने मेरा तमाशा बनाकर रख दिया। पता नहीं ऐसा क्या देख लिया जो बिना सोचे समझे खींचकर बाहर ले गई। अरे करने से पहले सोचना तो चाहिए था, किसने कहा था इतना बड़ा कांड करने के लिए। खुद तो बहू रानी बन गई, लेकिन मैं तो नौकरानी हूं ना, मेरे पेट पर लात मारने की क्या जरूरत है इसे। आप और हम दोनों जानते हैं कि हम का देखें। आप हमसे झूठ बोल सकती है, हुकुम से बोल सकती है, डॉक्टर साहब से बोल सकती है, लेकिन खुद से झूठ नहीं बोल सकती। मैं किसी से कोई झूठ नहीं बोल रही हूं चंपा दीदी। ऐसे भेड़ियों को बचाने का मतलब उनको बढ़ावा देना होता है। मार गा होता ना तो इन रबर का चप्पल मार मार के उनका गाल लाल कर दिए होते हम। थप्पड़ मारने का मन कर रहा है मुझे उसको, गवार कहेगी। पहले भाई की लाइफ खराब की, उस गवार की वजह से मॉम को घर छोड़कर जाना पड़ा, और अब हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गई, गवार कहेगी। आज तो उसने सारी लिमिट्स ही क्रॉस कर दी है। लेकिन यार कोई तो रीजन होगा ना, वरना रानी भाभी साहब जय पे इतना बड़ा इल्जाम क्यों लगाएगी? ऑफ कोर्स अटेंशन के लिए प्रिंस जयसिंह रॉयल्टी हैं, वो भला किसी नौकरानी के मुंह क्यों लगेंगे। लेकिन मासी। बस विक्रम, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम पूरे टाइम उन दो कौड़ी के लोगों का साइड क्यों लेते रहते हो हा? और स्पेशली उस रानी का। लेकिन नैन, अगर आज के बाद तुमने वो रानी का साइड लिया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे। मेरा दिमाग खराब हो रहा है, मैं मॉम को बहुत मिस कर रही हूँ मासी। अगर वो यहाँ पर होती तो मेरी हेल्प करती, मुझे गाइड करती, मुझे एडवाइस देती, लेकिन फोन भी रिसीव नहीं कर रही है। मैं सोच रही हूँ मासी कि मैं जाके उनसे मिला। यस कुमुद जी, वो प्रिंस जयसिंह ने आप सबसे हॉल में आने की रिक्वेस्ट की है, कोई जरूरी बात करनी है।
ठीक है, तुम जाओ, हम आते हैं। जी। ये? क्या हुआ? तुमने अचानक यहाँ सबको ऐसे क्या बात करने के लिए बुलाया? आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? आपके मन में जो भी है वो साफ साफ बता दीजिए। हमारे आदरणीय पापा मम्मी जयपुर लैंड कर चुके हैं। अरे ये तो बहुत अच्छी खबर है, फ्लाइट टाइम से पहले लैंड कर गई। प्राइवेट जेट से आए पद्मिनी मासी। राजमाता वो इतना चिंतित होने की क्या जरूरत है, उनके स्वागत की सारी तैयारियां हो चुकी है। आप घबराइए मत, सब कुछ सही होगा। चिंता की बात कुछ और है राजमाता, बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है। व्हाट प्रॉब्लम? पापा मम्मी को लगता है कि वीर की शादी कियारा के साथ हुई है। इस परिवार की इज्जत रखने के खातिर हमने उन्हें सच नहीं बताया। लेकिन अब जब वो यहाँ आ जाएंगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि रजावत परिवार का कुंवर एक नौकरानी। आप समझ रहे हैं ना आपको क्या कहना चाह रहे हैं? बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी राजमाता, हमारा और नंदिनी का रिश्ता जुड़ने से पहले टूट जाएगा। आप तो जानते हैं हमारे मम्मी पापा रीति रिवाज, रुतबा और खानदान कितना मानते हैं। ये तो बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, अब क्या करेंगे? क्या करेंगे क्या मतलब, जो है सो है ना, इसमें आप सब इतने टेंस क्यों हो रहे हैं? ये क्या बोल रहे हैं आप विक्रम, ये नंदिनी के फ्यूचर का सवाल है। अगर आपकी इजाजत हो तो हमारे पास एक आइडिया है। क्या आइडिया है आपके पास? अगर हमारे परिवार के सामने आपकी बीवी क्यारा बनकर आए, रानी नहीं, तो बात बन सकती है। What nonsense? कोई मजाक चल रहा है यहाँ? मजाक ही तो बन के रह जाएंगे दोनों परिवार वीर, अगर हमारी फैमिली तक ये बात चली गई। हम नई जनरेशन के हैं, नए लड़के हैं, हम ये चीज समझते हैं, मगर हमारे माँ बाप वो ग्वालियर के किंग हैं, उनके लिए ये चीजें बहुत मायने रखती हैं। बात को समझो वीर, हम सिर्फ हमारे और नंदिनी के रिश्ते को बचाना चाहते हैं और कुछ नहीं। और हम रजावत के लिए झूठ ना बोलना और ना सहना सबसे ज्यादा मायने रखता है। ये शादी मेरी परिवार का सच है, और जो भी इस परिवार से जुड़ना चाहता है उन्हें इस सच को अपनाना होगा। हम वीर की बात से पूरी तरह से सहमत है। एक नए रिश्ते की शुरुआत झूठ की नींव पर नहीं हो सकती। लेकिन राजमाता, सच बोलकर तो सिर्फ नुकसान ही होगा ना। नंदनी का नुकसान, वो इस घर की बेटी है और उनकी खुशी देखना इस घर की जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है। और उसके लिए अगर एक छोटा सा झूठ बोलना पड़े तो क्या दिक्कत है? दिक्कत है पद्मिनी, एक छोटे से झूठ को छुपाने के लिए हमें फिर एक और झूठ बोलना पड़ेगा, और उसके बाद फिर और झूठ। इतने सारे फंक्शंस होंगे, इतनी रस्में होंगी, कब तक इस बात को छुपाएंगे हम? और वैसे भी ना तो ये हमारी रिवायत है और ना ही ये बात सही। जी जैसा, आप तो बहुरानी को अच्छी तरह से जानते हैं, ये कभी भी किसी के भी सामने कुछ भी बोल देती है। फिर जयसिंह के पिताजी, वो ग्वालियर के किंग हैं। अगर बहू रानी उनके सामने कुछ ऊंच नीच वाली बात कर देंगी तो कौन जिम्मेदारी लेगा? पर पद्मिनी, हमारी लाइफ है और इसका फैसला हम खुद करना चाहते हैं पापा। बेटा, ए, जैसा तुम चाहोगी बिल्कुल वैसा ही होगा, आखिरी फैसला तुम्हारा ही होगा, ओके? तो फिर मान जाइए ना पापा, जो मासी कह रही है वो सही है,
Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।